एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था तीन स्पेशल पॉइंट के बारे में, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। बात करेंगे स्पेशल पॉइंट नंबर 4 की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और याद रखिएगा, आने वाले टॉपिक में भी और इस चैप्टर में भी जितने भी रिएक्शंस हैं आप देखिए, इसकी मदद से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम ये तीन पॉइंट को कवर करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को आप तभी कर पाएंगे जब आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक का जो मेरा लेक्चर है वो आप अटेंड किए होंगे, तब आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराया है, तो पहले लेक्चर से लेकर आज तक के लेक्चर तक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले हम इन पॉइंट को कवर करते हैं, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं स्पेशल पॉइंट नंबर 4 के बारे में। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर स्पेशल पॉइंट नंबर 4 में साइनाइड समूह, या हम इसको नाइट्राइल भी कहते हैं, समूह की विशिष्ट अभिक्रियाएँ। बहुत ही विशिष्ट अभिक्रियाएँ हैं, क्या क्या हैं जरा देखिए। साइनाइड समूह का मतलब CN, या इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल भी कहते हैं, तो RCN ऐसा लिखा रहेगा। अब हम इसका सबसे पहले कराएंगे आंशिक अपचयन, क्या बनेगा वो देखेंगे, फिर इसका कराएंगे पूर्ण अपचयन, फिर इसका कराएंगे आंशिक जल अपघटन, और फिर इसका कराएंगे पूर्ण जल अपघटन। तो देखिए यहाँ पर आंशिक अपचयन इसका कराएंगे, तो हमें याद होना चाहिए जब भी हम आंशिक अपचयन कराते हैं इसका मतलब है हमें 2 हाइड्रोजन ऐड करना है, जब भी हम पूर्ण अपचयन कराते हैं इसका मतलब है कि हमें 4 हाइड्रोजन ऐड करना है, 4 हाइड्रोजन ऐड करना है, 4 हाइड्रोजन जोड़ना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। आंशिक जल अपघटन का मतलब होता है 1 मोल H2O ऐड करना है, और पूर्ण जल अपघटन का मतलब है 2 मोल H2O ऐड करना है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आंशिक अपचयन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले RCN को हम लिखेंगे यहाँ पर, तो RCN, तो RCN हमारा ये रहा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपको पहले से मालूम है। अब देखिए हम करते क्या हैं, इसकी क्रिया किससे कराते हैं, SnCl2 प्लस HCl से, किससे कराते हैं, SnCl2 प्लस HCl से, और ये जो होगा ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन देगा, क्या देगा, 2 हाइड्रोजन, और हमें क्या करना है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ देना है, एक हाइड्रोजन। देखो जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो हम कहेंगे एक पाई बॉन्ड को तोड़कर एक हाइड्रोजन इस N को और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देना है। जब ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, और इसका नाम है आई मीन्स इसको हम कहते हैं। अब देखिए ये बन गया, इसको हम इसको बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम करेंगे इसका जल अपघटन, इसका फिर से करेंगे जल अपघटन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं H3O+, या हम H2O लिखें, बात देखी है तो हम H2O भी लिख सकते हैं, या हम H3O+ लिखें। तो होगा क्या, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, H2O को मैं ऐसा लिखूंगा O, और O से देखिए यहाँ पर 2 H जुड़े होंगे ऐसे, तभी तो बनेगा H2O, ये है क्या H2O, यहाँ से ये वाला 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड ऐसे यहाँ पे टूट जाएंगे, तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, RCH, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या जुड़ेगा, O, और प्लस यहाँ पर NH, ये पहले से था, 2H और आ गया तो कितना H हो गया, 3H, तो क्या बना, NH3, ये क्या है, अमोनिया गैस, ये गैस के रूप में है तो गैस के रूप में अलग होगा। यहाँ बना क्या, RCHO, क्या बना, RCHO, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं RC, ये जो डबल बॉन्ड O है किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, या आप चाहें तो डबल बॉन्ड O को यहाँ पे कर दें और यहाँ पे H कर दें, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, क्या बना, एल्डिहाइड। याद रखना ये जो अभिक्रिया है इसको कहते हैं स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन रिएक्शन इसको कहते हैं। तो याद रखिए बहुत ही फेमस रिएक्शन है यहाँ पर।
अगर हम यहाँ पे अगर आप समझना चाहते हैं कि ये सिंस सीएल टू को हम क्यों ले रहे हैं, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको इस तरह याद रखेंगे। एक बार देख लीजिए, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर R है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है हमारे पास। अब देखिए होगा क्या, ये जो SnCl2 है इसका रोल देखिए क्या होता है, तो SnCl2 से हमें क्या मिलेगा, Sn प्लस टू मिलेगा। भाई जब ये Cl जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस टू। ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और बनाएगा Sn प्लस फोर, और दो इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल देगा। और यही जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे ये वाला जो बॉन्ड होगा ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला दो, ये जो बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है, ये इसके पास चला जाएगा, तो कुल मिला के ये बनेगा C और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ सॉरी डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो इस पर आएगा माइनस, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस, दोनों पर माइनस माइनस आ जाएंगे। हमने एच सी एल लिया है, एच सी एल के पास क्या है, एच प्लस है, तो एक एच प्लस कार्बन से, एक एच प्लस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, प्लस माइनस चार्ज गायब हो जाएंगे और ये बन जाएगा तो आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच। तो याद रखिएगा, इसमें इतनी सारी डिटेल हमें बात नहीं करनी है, हमें बस इतना ध्यान देना है कि जब हम आंशिक अपचयन कराएंगे, किसका कराएंगे, साइनाइड या नाइट्राइल समूह का, तो होगा क्या, हमें दो एच जोड़ना है, तो एक पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन एन को एक हाइड्रोजन सी को दे दीजिए, आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जल अपघटन करेंगे, तो चाहे आप एच थ्री ओ प्लस लिखें और चाहे एच टू ओ लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पर जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे, तो देखो यहाँ पे H2O हमने लिखा, तो यहाँ से NH3 अमोनिया गैस, और यहाँ पे क्या बना, एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का निर्माण हुआ। ये क्रिया स्टीफन अपक्रिया के नाम से जानी जाती है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो आपको भी मैंने क्या सिखाया, जब भी हम साइनाइड समूह की अपक्रिया किससे कराते हैं, Sn प्लस HCl, उसके बाद क्या होता है, जल अपघटन, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, क्या बनता है, एल्डिहाइड, याद रहेगी बात। आइए हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, तो ये हमारा क्या है, पूर्ण अपचयन। जब भी आप पूर्ण अपचयन करेंगे तो आप हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, हम क्या करेंगे, चार हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो ये क्या है, पहले इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास R C ट्रिपल बॉन्ड N ये लिखा हुआ है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर याद रखना, इसमें हम लेते क्या है, सोडियम प्लस C2H5OH, ऐसा लिखा रहेगा अपक्रिया में, इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। अब हम 4H जोड़ेंगे इसमें, तो 4H जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देखिए, जब आपको 2H जोड़ना था तो एक पाई बॉन्ड आपने तोड़ दिया, तो एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2H लगेंगे, ऐसे अगर हम दो पाई बॉन्ड तोड़ दें तो कितने एच लगेंगे, चार। तो देखो एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला एक एच इसको दिया, एक एच इसको दिया, अभी और दो जोड़ना है, एक दो और आएंगे तो एक पाई बॉन्ड ये तोड़ देंगे, एक एच इसको दिया, एक एच इसको दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या बना, हमारे पास बना आर सी एच, बताओ कितना, इस कार्बन से कितना एच जुड़ा, दो सी एच टू, यहां पे सिंगल बॉन्ड बचा और ये क्या बना, एन एच टू। ये क्या क्या हुआ, क्या बना, ये वन डिग्री का एमीन, मेंडियस रिएक्शन है, ये क्या है, मेंडियस रिएक्शन। तो याद रखना, मेंडियस अपक्रिया के नाम से ये प्रसिद्ध है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात याद रखना कि जब हम साइनाइड समूह का पूर्ण अपचयन करेंगे तो हमें चार हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, और चार हाइड्रोजन जोड़ने के लिए दो पाई बॉन्ड हम तोड़ेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, वन डिग्री एमीन, क्या मिलेगा, वन डिग्री एमीन मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे आंशिक जल अपघटन। अब हम साइनाइड समूह का क्या करेंगे, आंशिक जल अपघटन। जब आंशिक का नाम आएगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, हम एक जल के मॉलिक्यूल हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, क्या हमारे पास है, आर सी एन, तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, एच टू ओ से, इसका मतलब है एच प्लस और ओ एच माइनस से करा रहे हैं, एच टू ओ का मतलब यही होता है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा इसके पास,
क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए इस पर क्या चार्ज आएगा? माइनस। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और इस पर क्या चार्ज आएगा? प्लस। अब आप यहां पे भी प्लस माइनस देख रहे हैं, यहां पर भी प्लस माइनस देख रहे हैं, तो बनेगा क्या? तो बनेगा हमारा ये आर, बताओ सी पर क्या चार्ज है? प्लस। और इस प्लस से कौन जुड़ेगा? ओ एच। तो यहां पर ओ एच माइनस हमने जोड़ दिया, यहां पर डबल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड तो यहां शिफ्ट हो चुका है, तो एन बचेगा और एन पे माइनस है, क्या जुड़ेगा इससे? प्लस, एच प्लस। तो यहां पर ये बना। अब देखो एक घटना यहां पे होती है, उसको कहते हैं चलावयवता, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, आप इसको इतना ध्यान देंगे। यहां पर चलावयवता एक उत्क्रमणीय क्रिया होती है, तो होगा क्या? यहां पर ये वाला जो एच है ये इसके पास जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां आ जाएगा और ये एच यहां चला जाएगा, तो बनेगा क्या? आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच यहां चला गया, तो क्या बना? NH2। ये होती है चलावयवता। यहां पे कौन सी घटना हुई? चलावयवता, टॉटोमेरिज्म इसको कहते हैं, चलावयवता। ठीक है, तो इतना आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें ये क्रिया जो होती है तो हम इसको क्या कहते हैं? चलावयवता। यहां पर बना क्या? आप ध्यान दीजिए, NH2 सी डबल बॉन्डो CONH2 क्या बना? एमाइड है, याद करिए आप, एमाइड। तो क्या बना हमारे पास? एमाइड बना, एमाइड बना। तो एमाइड आप बनाएंगे कैसे? अगर आपके पास साइनाइड समूह है और उससे आपको एमाइड बनाना है, तो आप उसका आंशिक जल अपघटन करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये इसमें और ये इसमें लगातार चेंज होता रहेगा और अपनी एनर्जी को रिलीज करता रहेगा, अपनी एनर्जी को मुक्त करता रहेगा, तो हम कहेंगे ये इसका जो अस्थायित्व है वो बढ़ता जाता है, तो ये चलावयवता हम इसको कहेंगे। अब हम करने वाले हैं पूर्ण जल अपघटन। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या था? आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। जब आप एक बार इससे जल जोड़ोगे, तो एक बार जब मैंने इससे जल जोड़ा तो मिला क्या? एमाइड। क्या मिला? आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, यही तो मिलेगा। अभी हमने पूरी क्रिया यहाँ पे की, अभी तुमने एक जल के अणु जोड़े हैं, अब हमें पूर्ण अपचयन अगर करना है तो एक जल के अणु और जोड़िए। तो आप इससे एक जल के अणु और जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम करेंगे क्या? ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और H2O का मतलब क्या? H+OH-। तो होगा क्या यहाँ पर? आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे H+, यहां पे लिखेंगे H और यहां पे लिखेंगे OH और ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे। देख लीजिए आप, तो इसके साथ कौन जुड़ेगा? H और इसके साथ कौन जुड़ेगा? OH। तो क्या बनेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ। इस कार्बन से क्या जुड़ेगा? OH, क्योंकि इस पे आप समझिए, इस पे माइनस, इस पे क्या चार्ज आएगा? प्लस। और जोड़ दीजिए आप यहां से, क्या जुड़ेगा यहां पर? OH और प्लस, यहां पर क्या बना? NH3। अमोनिया गैस बनेगी और ये गैस है तो ऊपर इसलिए चली जाएगी। बना क्या ये? पहचान रहे हैं इसको? क्या है ये? अम्ल है। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या बना? अम्ल। तो याद रखना है आपको बच्चों, याद रखना है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जब भी अब क्रिया, जब भी अब जैसे मान लो यहां पे ये आर सी एन है, हमने लिख दिया H3O+ और कुछ नहीं लिखा, तो आपको हमेशा पूर्ण जल अपघटन करना है। या तो जरूरत हो आपको, या तो जरूरत हो, या पे यहां पर लिखा हो आंशिक अपचयन। अगर आप सॉरी आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन अगर आप लिखेंगे तब आपको क्या बनाना है? एमाइड। और अगर ये हम हटा देते हैं, पूर्ण नहीं भी लिखते हैं, तो इसको पूर्ण माना जाता है, अंडरस्टूड है, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। जब भी आर सी एन के साथ हम H3+ लगाएंगे, इसका मतलब है कि सी एन किस में चेंज हो जाएगा? सी एन सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, मतलब सी ओ ओ एच में चेंज हो जाएगा, याद रखना है। जब इसका आंशिक अपचयन करेंगे तो किस में चेंज होगा? ये सी डबल बॉन्ड ओ NH2 में। जब इसका पूर्ण अपचयन करेंगे तो किस में चेंज होगा? CH2NH2 में। और जब हम इसका आंशिक अपचयन करेंगे तो किस में चेंज होगा? सी डबल बॉन्ड ओ एच में, एल्डिहाइड और अमोनिया गैस यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। ये आपको मैंने स्पेशल पॉइंट 4 में पढ़ा दिया, साइनाइड समूह की विशिष्ट अपक्रिया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, हम पढ़ेंगे उसमें आइसोसाइनाइड की विशिष्ट अपक्रिया। आइए हम लोग बात करेंगे स्पेशल पॉइंट नंबर 5 के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड की विशिष्ट अपक्रिया। तो आइए देखिए, यहां पर
हमारे पास आइसोसाइनाइड क्या होगा, तो याद रखिएगा साइनाइड और आइसोसाइनाइड में अंतर मैंने बताया था आपको, आर एन सी अगर लिखा होगा तो ये आइसोसाइनाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो R है इस बार वो C से ना जुड़कर किससे जुड़ेगा, N से जुड़ेगा। देखिए लास्ट क्लास में हमने आपको बताया भी था, है ना, तो आपको याद होगा कब एन सी कब सी एन बनता है, ये हमने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम पूर्ण ऑप्शन इसका करेंगे, इसका मतलब है चार हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो याद रखना है आपको, ध्यान दीजिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ तरीका, चार एच जो आप जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो आप एक पाई बॉन्ड जब तोड़ेंगे ये वाला, तो एक एच इस कार्बन को एक एच इस नाइट्रोजन को देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी बची जो दो एच हैं, तो ध्यान देना यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हो तीर किधर लगा हुआ है, कार्बन की तरफ, इधर तीर किधर लगा हुआ है, कार्बन की तरफ। तो याद रखना जब तुम अगला दो एच दोगे, जब ये वाला बॉन्ड को तोड़ोगे, तो ध्यान देना है कि दोनों के दोनों एच जिधर तीर लगे होंगे उधर आपको देना है, तो दोनों के दोनों एच किसको देंगे, हम कार्बन को दे देंगे। तो बनेगा क्या यहाँ पे देखिए, तो बनेगा क्या आर एन, एन से क्या जुड़ेगा एच, फिर सिंगल बॉन्ड सी से कितना जुड़ेगा यहाँ पे तीन, आर एन एच सी एच थ्री, ये बना क्या 2° amine। तो याद रखना यहाँ पर 2° amine की प्राप्ति यहाँ पे हो जाएगी। अब हम करेंगे इसका पूर्ण जल अपघटन। तो यदि ये लिखा जाए और H3O+ लिखा जाए, आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है सर H3O+ का क्या मतलब है। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पे कोई पात्र है इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी का मतलब क्या H2O, मतलब मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये तो है H2O। अच्छा बताओ यहाँ पे ये जो H2O है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर होते हैं, इसके पास क्या होते हैं लोन पेयर। और ये बताइए अगर ये पानी इसमें भरा हुआ है, तो इसमें H+ भी होंगे OH- भी होंगे, तो H+ यदि यहाँ पर अटैक कर लेगा, ऐसा हो सकता है कि H+ यहाँ पे अटैक करके इससे जुड़ जाए, और जब इससे जुड़ जाएगा तो बनेगा दो एच है, एक एच इससे जुड़ जाएगा तो बनेगा H3O, और चूंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसलिए ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा प्लस, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये जल में उपस्थित हो सकते हैं, तो ऐसा लिखा जाए, इसका मतलब जल ही है और कुछ मत समझिए। पूर्ण जल अपघटन हम कराने जा रहे हैं, तो कैसे कराएंगे यार ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा क्या है आर एन, और इस प्रकार एक ये उपसंयोजक बंध है, ये उपसंयोजक बंध बना हुआ है, और यहाँ पे सी। जब आप इसका क्या करेंगे पूर्ण जल अपघटन, तो देखो क्या होगा, आपको क्या करना है जरा ध्यान दीजिए, H OH भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो N है उसकी विद्युत वाहकता ज़्यादा होगी इसलिए माइनस, तो माइनस से कौन जुड़ेगा प्लस, और यहाँ पे ये माइनस है इससे ये कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये वाला पूरा बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो बनेगा क्या देखिए RN और N से कितना जुड़ेगा 2H RNH2+। ये क्या है जरा ध्यान दीजिए, एच लिख रहे हैं COOH लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए HCOOH वही तो लिखा है, यहाँ पे क्या बनेगा फार्मिक अम्ल। क्या है ये, क्या है 1° amine है, 1° amine है, और ये क्या है फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड। तो ये आपका फार्मिक अम्ल के यहाँ पे बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर हमने आपको दो केस पढ़ाए हैं, एक तो जब आइसोसाइनाइड का हम पूर्ण अपचयन करेंगे तो 2° amine बनेगा, 2° amine बनेगा, और यदि इसका पूर्ण जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा 1° amine और फार्मिक अम्ल बनेगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए, एमाइड का निर्जलीकरण हम लोग कर रहे हैं, एमाइड होगा क्या RC OO और यहाँ पर NH2। अब इसका हम निर्जलीकरण करने के लिए क्या किससे क्रिया करा रहे हैं, PCl5 से क्रिया करा रहे हैं, किससे क्रिया करा रहे हैं PCl5। और याद करिए हमने आपको पहले ही बता दिया है PCl5 के लिए स्पेशल पॉइंट, जब आप PCl5 से क्रिया कराएंगे तो मैंने आपको बताया है कि जहां पे ऑक्सीजन होता है उसके नीचे आपको PCl3 लिखना है, एक Cl ऐसे आप बना दीजिए क्योंकि PCl5 है, आपको यहां से निकालना क्या है POCl3। ये दोनों बॉन्ड टूटे हैं तो यहाँ पे ये Cl, यहाँ पे ये Cl जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RC, और इस C से दो लोग जुड़ेंगे वो कौन होंगे दो Cl, और यहाँ पे क्या बना NH2। तो ये बना, अब इसका देखो इसका अस्थायित्व होता नहीं है,
तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ का जो 2H है और यहाँ का जो 2Cl है, ये 2HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड ईयन। देखो यहाँ का 2H और यहाँ का 2Cl, 2Cl के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा RCN। क्या बना ये? एल्किल साइनाइड। क्या बना? एल्किल साइनाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने एमाइड के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त कर लिया, एल्किल साइनाइड। और मैं आपको अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहीं पे देखो, यहाँ पे जरा समझो, हमारे पास अगर एमाइड है, हमारे पास क्या है, एमाइड। एमाइड का मतलब ये लिखा हो R C डबल बॉन्ड O और NH2। अगर हम इसकी क्रिया किससे किससे करा दें, इसकी क्रिया हम PCl5 से कराएं या PCl3 से कराएं या SOCl2 से कराएं, तो बनेगा क्या, R C ट्रिपल बॉन्ड N। सेम रिएक्शन आप देख सकते हैं, SOCl2 से कराएंगे तब भी हमें यही मिलेगा, PCl5 से कराएंगे तब भी यही मिलेगा, PCl3 से कराएंगे तब भी हमें यही मिलेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो आज हम ये 6 पॉइंट आपसे चर्चा किए हैं। अब हम इस पे सवाल आपको कुछ बताते हैं कि इस पे सवाल हम कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, आइए देखते हैं हमने कितना सीखा है इस पूरे चैप्टर में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज नहीं किए हैं, जैसे मैंने कि आपको सिखाया था, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये सवाल आपको कम समझ में आएगा, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूँगा कि आपको ये पूरा समझ में आए। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर एक देखिए आप, हमारे पास ये एक कीटोन है, हमारे पास ये कोई क्रिया कारक है और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, PCl5 से करा रहे हैं। जब हम इसकी क्रिया PCl5 से कराएंगे तो एक प्रोडक्ट बनता है A। अब हम ये जो प्रोडक्ट A बनेगा, इसकी क्रिया हम KCN से कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा B। अब ये जो B बनेगा, इसकी क्रिया इसका हम कराएंगे जल अपघटन, बनेगा C, और इसको हम गर्म करेंगे, बनेगा D। आपको बताना है A, B, C और D क्या क्या होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, क्या लिखा है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सबको क्लियर दिख रहा है? इसकी क्रिया हम किससे करा दें, PCl3 से, सॉरी PCl5 से। तो इसकी क्रिया हम किससे करा दें, PCl5 से। तो PCl5 से क्रिया करा जब हम कराते हैं, PCl5 से क्रिया जब हम कराते हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, PCl3, एक Cl हम इधर लिखेंगे, एक Cl इधर लिखेंगे, यही तो हम तरीका आपको बताते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ आपको PCl3 को बाहर ले लेना है, तो बनेगा क्या, तो बनेगा देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3, फिर देखिए यहाँ पर POCl3 बाहर और यहाँ पे दो Cl जुड़ जाएंगे, एक Cl ये रहे, एक Cl ये रहे, और यहाँ बाहर क्या निकलेगा, POCl3। हमने माइनस कर दिया, हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये बना किसके स्थान पर, ए के स्थान पे, तो ये हमारा बन गया ए। अब हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, के सी एन से, के सी एन से। तो यहाँ पे याद रखिए आपके पास दो सी एल माइनस है, तो इसको दो से दो मोल आप इसको लेंगे तो दो के सी एल, एक के सी एल यहाँ से, एक के सी एल यहाँ से निकल जाएगा, तो माइनस टू के सी एल और ये जो सी एन है यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, सी एच थ्री, सी एच थ्री। देखिए बस आपको करना क्या है, के सी एल, के सी एल, क्योंकि बताइए सी एल पर माइनस, सी एल पे माइनस होता है, और के पर प्लस, सी एन पे माइनस, तो के प्लस, और ये देखिए इस पे प्लस होगा, तो ध्यान देना सी एल माइनस और के प्लस, के सी एल बनेगा और एक सी एन यहाँ जुड़ेगा, तो कुल मिला के एक सी एन यहाँ पर, इसी प्रकार एक सी एन यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, हम इसकी क्रिया आप कराएं, B बन गया हमारा, ये B मिल गया, अब इसकी क्रिया करा रहे हैं H3O+, H3O+ का मतलब है इसका हम कराएंगे जल अपघटन। और हमने स्पेशल पॉइंट नंबर 4 में सीखा है, अब जब हम साइनाइड समूह, ये बताओ साइनाइड समूह है, हमने क्या सीखा है, एक बार जल्दी से हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। हमने ये सीखा जब RCN होगा और यदि इसकी क्रिया हम इसका हम पूर्ण जल अपघटन करेंगे, तो देखो पहले हम एक मोल जल जोड़े थे तो क्या बना था, तो देखो ये बॉन्ड यहाँ, इस पर माइनस, इस पर प्लस, और जब हमने इस पर एच प्लस ओ एच माइनस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एच प्लस ओ एच माइनस,
तो ओ एच माइनस यहां करूंगा, एच प्लस यहां जोड़ दिया था, तो क्या बना था, आर सी अस्सी पर प्लस था तो इससे जुड़ा था ओ एच, और डबल बॉन्ड यहां पे बना था NH, फिर चला व्यवता हुआ था, तो चला व्यवता के कारण ये H यहां चला गया था, ये बॉन्ड यहां, कुल मिला के क्या बना, तो ये बना R C डबल बॉन्ड O यहां पर NH2 एमाइड बना। अब ये जो एमाइड है, अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, एमाइड जो बना इसकी क्रिया, या हम इसी में लिख दे रहे हैं, एमाइड जो बना हम इसकी क्रिया किससे करेंगे, फिर से हम एक मोल जल हमने जोड़ा, अब फिर हम एक मोल जल जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और इसको देंगे H, इसको देंगे ओ एच, जब हम इसमें फिर से एक मोल जल जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एन एच थ्री और बना आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये क्या है, अम्ल है, तो अम्ल यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ देखिए सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो आर सी एन था और जब हमने दो मोल जल जोड़ा तो जो सी एन है वो किस में चेंज हो गया, सी ओ ओ एच में, देख लीजिए बस आपको इतनी बात याद रखना है, अगर सी एन है हम इसका पूर्ण जलपटन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, सी ओ ओ एच। तो यहाँ पर एच थ्री ओ प्लस लिखा है, इसका मतलब आप समझिए इसका पूर्ण जलपटन हो रहा है, तो सी एन को यहाँ से हटा दीजिए, सी एन को यहाँ से हटा दीजिए और इसके स्थान पर आप क्या जोड़ेंगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ इसके स्थान पर आप सी डबल ओ एच और इसके स्थान पर आप सी डबल ओ एच जोड़ देंगे, समझ में आई बात। अब हमारे पास, अब हमें क्या करना है, इसको गर्म करना है, याद करिए स्पेशल पॉइंट नंबर एक, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया है कि यदि द्वि कार्बोक्सिलिक, हम कहेंगे यदि द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका क्या करना है, उसका अपघटन करना है, उसका ताप अपघटन करना है, तो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि यदि दो सी डब्ल्यू एच के बीच में एक कार्बन होगा तो आपको क्या करना है, आपको सी ओ टू बाहर कर देना है, तो यहाँ से सी ओ टू बाहर निकल जाएगा तो बनेगा क्या, सी एच थ्री सी एच थ्री और एक एच, ये एच यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे इससे क्या जुड़ेगा, सी डबल ओ एच। तो ये देखिए ये बना आपका ए, ये बना आपका बी और ये बना आपका सी और ये बना डी। इस प्रकार हमने इस सवाल को कंप्लीट किया। तो अभी आपने देखा कैसे हमारे पॉइंट्स जो हमने आपको शुरू से पढ़ाया है वो कैसे काम में यहाँ पे आ रहे हैं। अब आइए हम लोग सेकेंड सवाल देखते हैं और देखते हैं कि आपने कितना सीखा है, कितना रिविजन किया है, इस सवाल में पता चल जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू में हमने बात की CH3, ये क्या है, एल्केन, क्या है ये एल्केन, और ये क्या है Cl2 और HNO, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में हम इसमें Cl2 क्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इसको पढ़ा हुआ, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका सोल्यूशन CH3, जब इसकी क्रिया Cl2 से और प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी क्रिया है, हैलोजनीकरण। हमने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तब भी मैंने बताया था कि हेलो एल्केन आप कैसे बनाएंगे, जब एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन, यहाँ पे मैं इसको 2 और एक H, एक Cl यहाँ से बाहर निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl और यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, HCl। अब हमारा A मिल गया। अब हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, इसकी क्रिया करा रहे हैं KCN से। अब ये क्या मुश्किल है भाई, माइनस इस पे है ही, इस पर माइनस इस पर प्लस, बताओ यहाँ से KCl नहीं निकलेगा तो बाहर निकलेगा KCl और यहाँ पर CN जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3CH2CN, ये आपको मिला। अच्छा अब हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, H3O+ से। ये क्या है भाई, इस काम करा रहे हैं जल अपघटन। और आपने पढ़ा है जब हम साइनाइड समूह का जल अपघटन कराते हैं तो जो CN है उसको किस में बदल देना है, COOH में, तो क्या बन जाएगा CH3CH2COOH। अब देखिए अब हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, NH3 से, NH3 से। अब हमने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था स्पेशल पॉइंट नंबर 2, उसमें मैंने आपको सिखाया था
अम्ल द्वारा एमाइड का निर्माण। तो अम्ल द्वारा एमाइड आपने कैसे बनाया था? तो अम्ल की क्रिया आपने किससे की थी? अमोनिया से की थी। तो अगर हम बात करें C OH को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, C OH। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, किसका H+ इसका O-, और यहाँ पर अमोनिया का लोन पेयर ये इससे जुड़ेगा तो बनेगा क्या, CH3 CH2 C OH। यहाँ पर O- तो चलेगा और यहाँ पे जुड़कर क्या बनेगा, NH4+। हमने इसका नाम दिया था अमोनियम एल्केनोएट। तो अमोनियम और तीन के लिए एल के स्थान पे प्रोप, तो बन गया अमोनियम प्रोपेनोएट, करेक्ट। अब ये बना, अब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है, इसको गर्म करेंगे। जब आप इसको गर्म करेंगे तो यहां से 2H, यहां से 1O, तो H2O बाहर, क्या बनेगा, एमाइड। तो बना CH3 CH2 C OH NH2। हमने स्पेशल पॉइंट 2 में यहां से यहां तक क्रिया सीख ली है। आपको याद होगा तो बताया था एमाइड का निर्जलीकरण, एमाइड का निर्जलीकरण। तो यहां पे देखिए P2O5 हमारे पास है, तो यहां पे हम इसी क्रिया किससे करा रहे हैं, P2O5 इसको गर्म कर रहे हैं। तो होगा क्या, यहां से इसका होगा निर्जलीकरण, और यहां से 2H, यहां से 1O, यहां बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में, और बनेगा हमारा CH3 CH2 C OH NH2। स्टॉल पॉइंट नंबर 6 में क्या पढ़ाया आपको, हमारे पास क्या था, R C OH NH2, मतलब क्या था, एमाइड। इसका हमने क्या किया था, निर्जलीकरण किया था। तो हमने इसकी क्रिया किससे कराई थी, PCl3 से आप करा सकते हैं, PCl5 से करा सकते हैं, हमने कहा था SOCl2 से करा सकते हैं। साथ ही और ऐड कर लीजिए, इसमें क्या ऐड कर लेंगे, P2O5 और या P4O10, आप इसमें से क्रिया किसी से कराइए। होगा क्या, यहां पर होगा एमाइड का निर्जलीकरण, 2H और 1 को यहां से बाहर हो जाएगा, तो RC OH NH2 बन जाएगा, मतलब साइनाइड बन जाएगा। तो याद रखना, थोड़ा सा उसमें दो पॉइंट और ऐड करना, तो वही पॉइंट यहां पे काम में आ रहा है। हमारे पास एमाइड था, एमाइड की क्रिया हम P2O5 से करा रहे हैं, ये है निर्जलीकारक और ये जल के अणु को बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आगे देखिए, यहां पर हमारे पास ये मिल गया, तो देखो P2O5, ध्यान देना, यहां पर P2O5 से क्रिया कराया, गर्म किया, तो ये बना F, बन गया ना F बन गया। अब इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, SnCl2+HCl से, और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसका जल अपघटन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास यहां लिखा हुआ है SnCl2+HCl, तो याद रखिए हमने कहा था ये क्या करेगा, इसका आंशिक अपचयन करेगा। तो एक बॉन्ड आपको तोड़ना है, एक एच इसको देना है, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। और फिर आगे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे जल अपघटन। तो जल अपघटन करने का तरीका, यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ना है, इसको देना है H2, इसको देना है O। तो हमने यहाँ पे सीखा था क्या बना था, एल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO, या हम इसको ऐसे लिखे थे C OH या CHO, ये हमारा एल्डिहाइड बना था, प्लस अमोनिया गैस बाहर निकली थी। याद है आपको स्टीफन अपक्रिया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन सी क्रिया है, यहाँ पर स्टीफेंस अपक्रिया, स्टीफेंस रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, HCN से। तो फिर से देखिए यहाँ लिखा क्या गया है, तो इसको मैं यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा था, CH OH C OH NH2 यही तो लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ जब शिफ्ट होगा, क्योंकि इसकी विद्युत नॉर्मकता ज़्यादा है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो इस पर माइनस और इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, देखो यहाँ से इसकी क्रिया हम HCN से करा रहे हैं, HCN से। तो H पर प्लस होता है, CN पे क्या चार्ज होता है, माइनस। अब प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, ये बना आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ CH3, यहाँ चलो लिख दे रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। देखो CH तो ऐसे लिख दे रहे हैं, CH लिख दे रहे हैं। अब बताओ
यहां पर इस कार्बन से जुड़ेगा सीएन, सीएन जुड़ेगा और साथ ही ओ से कौन जुड़ेगा, एच। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, ओ एच कर दूंगा। अब फिर से देखिए, समझ में आई बात यहां तक, तो ओ ओ से क्या जुड़ेगा, एच प्लस, और सीएन माइनस कार्बन जुड़ेगा और सी एच हमने यहां पे ऐसे लिख दिया। अब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो एच थ्री ओ प्लस, और जब भी एच थ्री ओ प्लस इसका मतलब क्या है, जल अपघटन। तो सीएन को किसमें चेंज करना है, सीएन को किसमें चेंज करना है, तो सीएन को आप चेंज करेंगे, देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ एच चलने दीजिए, और ये जो सीएन है ये चेंज हो जाएगा सी डबल ओ एच में, सी डबल ओ एच में चेंज हो जाएगा। अब लास्ट रिएक्शन देखिए, तो आई क्या बना, मैं यहां लिख दे रहा हूं आई क्या बना, मेरे पास स्थान नहीं है तो यहां लिख दे रहा हूं, आई बना सी एच थ्री सी एच टू सी एच, और यहां पर एक ओ एच, और यहां पर सी डबल ओ एच, यही तो है। अब हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, एन ए ओ एच प्लस सी ए ओ, ये क्रिया आपको क्लास 11 में सिखाई गई है, अभी मैं यहां फिर से बता दे रहा हूं। ये लिखा जाए इसका मतलब, ये क्या है, सोडा लाइम, क्या है ये, सोडा लाइम भी इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर जब इससे क्रिया होती है तो यहां से CO2 बाहर निकल जाता है, इसे कहते हैं बी कार्बोक्सिलिक कारक। तो ये CO2 बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर जब CO2 बाहर निकलेगा तो बनेगा क्या, तो J के स्थान पे क्या बनेगा, मैं लिख दे रहा हूं सी एच थ्री सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच, और इस एच से एक एच जुड़ेगा तो टू हो जाएगा, और यहां पर एक क्या है ओ एच, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमने देखा कि क्या क्या हमने बनाया, तो अभी हमने जितने पॉइंट पढ़े हैं सब मैंने यहाँ पे शामिल किया है, एक पॉइंट मैंने और आपको बताया NaOH plus CaO, ये क्या है, सोडा लाइम। तो यदि यहाँ पर कभी भी COOH आपको मिल जाता है तो आपको वहाँ से CO2 को बाहर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 गैस बाहर निकल जाएगी तो माइनस CO2 कर दे रहे हैं, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रॉन समझ में आया होगा, सवाल हमने एक साथ में इस प्रकार किए हैं, इसका मकसद है कि जो हमने आपको पूरा पढ़ाया है उसका एक साथ रिवीजन हो जाए, एक साथ उसका क्या हो, रिवीजन। अब आप हमको बताइएगा कि हमने ये जो पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं, जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट आप जरूर करिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हमने अभी उदाहरण पढ़ा है, उदाहरण नंबर एक, उदाहरण नंबर दो, उदाहरण नंबर तीन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, और फिर हमने स्पेशल पॉइंट में छह स्पेशल पॉइंट आपको पढ़ाए हैं। अब इसके बाद हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नंबर चार आपको पढ़ाएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। इसके बाद फिर हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, और ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में आपको काम में आएंगी, ठीक है। फिर थोड़ा सा एक बेस हमारा तैयार हो जाए, फिर हम लोग अब पढ़ेंगे, फिर हेलोफार्म पढ़ेंगे, जिसमें आप क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आयडोफार्म, ये सब बातें सीखेंगे, उनकी रिएक्शन सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा होगा, और अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।